हाय गाइस, आई एम शंकर कश्यप न्यूज़ के साथ। आज बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आया। आज हम बनाने जा रहा है ब्रेड का पिज्जा। बहुत ही आसान तरीके से घर पे कैसे बनाओगे। घर पे बनाने के लिए दो स्लाइस ब्रेड चाहिए आपको, लकड़ी इसी तरह से मज़ेदार रेसिपी खाना चाहिए तो आपको शंकर कश्यप का वीडियो लाइक सब्सक्राइब कॉमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूले और रेसिपी को फॉलो करो। दो स्लाइस ब्रेड लिया, थोड़ा स्लाइस ब्रेड में दो करी टमाटर केचप, दो टेबल स्पून, एक एक स्पून लेंगे। इसी तरह से इसको आपको क्या कर लेना चाहिए, ब्रेड के साथ आपको चारों तरफ से ब्रेड में सॉस का तरह लगाना चाहिए आपको। तो इसे देख ही सकते हो अभी एक। और हम लोग इस्तेमाल कर रहे हो यहाँ पे तीन टाइप कैप्सिकम, रेड, येलो और ग्रीन कैप्सिकम और साथ साथ ओनियन। यहाँ पे कॉर्न भी इस्तेमाल कर सकते हो आप, कॉर्न जैसे अमेरिकन कॉर्न। कॉर्न डाल के अब देखो बेल पेपर डाल दिया। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना, संगत सबको सपोर्ट करना। यहाँ पे मैंने ब्लॉक चीज इस्तेमाल किया, आपको मोजिला चीज चाहिए तो मोजिला चीज बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही सॉफ्ट में मिल जाता है। जैसे सॉफ्ट में मिल जाता है ब्रेड वगैरह जहाँ पे मिलता है डेयरी मिल्क का, डेयरी का आइटम वहाँ पे। वो थोड़ा सा ओरिगानो और चिली फ्लेक्स हम लोग इस्तेमाल किया। प्लीज गाइस, वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। और पैन को अच्छे से गर्म कर लाना चाहिए, थोड़ा सा बटर, नहीं तो आप ऑयल भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। बटर डालोगे तो खाने में मजा आएगा, क्रिस्पी, बहुत ही आसान तरीका। करीब 10 मिनट तक हम लोग इसको करीब स्लो फायर में ढक्कन देके पका लेंगे। करीब वो पीछे जो साइड जो है ना, जिसमें जिस साइड में हम लोग पीछे वाला साइड में, उसमें क्या करना है, बहुत ही क्रिस्पी होना इम्पोर्टेंट है। पिज्जा बना रहा देख सकते हो, वाओ यार देखने में इतना ऑसम लग रहा है। कसम से बोलो, रेसिपी को ट्राई करो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब को लाइक कमेंट जरूर करना।